डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लास्ट टाइप का फ्लाईव्हील पढ़ेंगे, दैट इज फ्लाईव्हील ऑफ टाइप 5, जो कि पंचिंग ब्लैंकिंग टाइप की मशीनिंग ऑपरेशन में यूज होता है. सो इन दैट टाइप ऑफ फ्लाईव्हील, दैट इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू यूज. सो द टाइप 5, दैट इज फ्लाईव्हील टाइप 5, दैट इज कॉन्सेप्ट we are dealing the concept with numerical or जो punching and blanking में use होता है. तो type 5 is the flywheel type 5. ठीक है, जैसे blanking कोई blanking operation होता है, punching operation होता है, these are the machining operations, rolling हो गया, riveting हो गया, इसमें भी flywheel use होते हैं. उस टाइप के ऑपरेशंस में भी हम फ्लाईव्हील का कंसेप्ट यूज करते हैं. और इसमें एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो टीटीटा टाइप में नहीं दिया होता है, इसमें एनर्जी इज गिवन इन सम डिफरेंट फॉर्म, अ लैंग्वेज फॉर्म जो कि हम डील करेंगे. तो इसमें जो एनर्जी का कैलकुलेशन है, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो कि डेल ई मुझे फाइंड आउट करना होता है. तो इसमें दो एनर्जी हम लेते हैं, दैट फर्स्ट एनर्जी जिसको मैं बोल रहा हूं, दैट फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर, बाय द मोटर, एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन. ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और ये टाइम के द्वारा दी गई. मतलब जैसे एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर, जितने भी टाइम के लिए वो ऑपरेशन चला, उतने टाइम तक जो मोटर ने उस ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की है, दैट इज योर एनर्जी 1, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो E1 से. तो सप्लाइड बाय द मोटर. अब जैसे मान लो मोटर ने, मैं बोल रहा हूं मोटर 5 किलोवाट की है, मोटर इज ऑफ 5 किलोवाट. तो 5 किलोवाट मींस 5000 वाट. नाउ वाट इज वाट, मतलब वाट क्या होता है, दैट न्यूटन मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब एक सेकेंड में 5000 जूल, यानी 5000 न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, इज सप्लाइड इन 1 सेकेंड. अब आपसे बोल रहे हैं कि भैया 1.5 सेकेंड वो ऑपरेशन चला. अगर 1.5 सेकेंड वो ऑपरेशन चला, so 5000 into 1.5, that is 7500 joule in 1.5 second. so first type of जो हम लोग energy calculate करेंगे, that is energy supplied by the motor, जिसको E1 बोलेंगे. E1 जितनी भी per second motor supply कर रहा है joule of energy, उसको मैं E1 से represent करूँगा. now the second type is energy required by the ऑपरेशन. ठीक है, द सेकेंड इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशन, बाय द जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो E2 से. ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे पंचिंग ही करना है. जैसे मान लो एक 3-dimensional ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे पंचिंग करनी है. इट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है. यहां से मुझे एक डी डायमीटर का ये, दैट इज डी डायमीटर, दैट इज थिकनेस इसकी कितनी है, तो ये मुझे बाहर निकालना है. बाहर निकालना है तो वो इस फॉर्म में बाहर निकल गया. ठीक है, तो इसमें मुझे 1 mm स्क्वायर में, जस्ट इमेजिन आई रिक्वायर्ड 1000 जूल, 1 mm स्क्वायर. तो जितने भी स्क्वायर एरिया आपको निकालना है, दैट इज फॉर एग्जांपल 10 mm स्क्वायर में कितना लग जाएगा, दैट इज 10000 जूल. तो पहला जो E1 में फाइंड आउट कर रहा हूं, वो फाइंड आउट कर रहा हूं कि जो भी मशीन, जो भी कोई भी एक मशीन है, वो जितना भी टाइम में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, उसमें कितनी एनर्जी सप्लाइड की. दूसरा,
जो मशीन ऑपरेशन कर रही है, यानी मान लो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में से मुझे ब्लैंकेट मतलब डी डायमीटर के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स निकालना है, इसमें से कितने निकाल सकता हूँ वो है मेरा, होल करना है या मुझे मटेरियल रिमूव करके इसमें होल करना है। तो 1 mm निकालने के लिए 1000 joule रिक्वायर्ड है फॉर दैट ऑपरेशन, तो 10 mm स्क्वायर का निकालूंगा तो 10,000 joule, दैट विल गिव यू दी E2 टाइप ऑफ एनर्जी। नाउ यहां पर मुझे एरिया रिक्वायर्ड होगा, अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना आ गया तो मैं उससे अमाउंट से एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। तो एरिया यहां पर जो इस पर्टिकुलर केस में होगा वो होगा शियर। नाउ तो दैट शियर एरिया इज 2πr इंटू टी, और इसको लिख सकता हूं πd इंटू टी। तो एरिया में ऐसे फाइंड आउट कर लू, ठीक है। फाइनली दैट E जो कि मुझे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दैट इज डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1 एंड इट इज इक्वल्स टू I ओमेगा स्क्वायर Cs। और जो स्पीड ऑफ मोटर होगी ऐसे केसेस में, जो स्पीड ऑफ मोटर होगी, स्पीड ऑफ मोटर, ये जो स्पीड देंगे इस मोटर की, ये होगी मेरी मैक्सिमम ओमेगा मैक्स की वैल्यू होगी ये स्पीड ऑफ द मोटर। स्पीड लिख रहा हूं, एंगुलर स्पीड लिखनी चाहिए क्योंकि ये रेडियन पर सेकेंड में। और स्पीड ऑफ इंजन, जो भी मशीन जिस भी इंजन पे वर्क कर रही है उसकी स्पीड अगर दे रहे हैं तो वो होगी मीन स्पीड, क्योंकि मोटर कुछ भी सप्लाई करे एनर्जी जो मशीन है उसे, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उतनी ही एक मीन स्पीड पे ही काम करेगी ना। ऐसा नहीं है ज्यादा सप्लाई कर दी तो ज्यादा तेजी से काम, उस पर्टिकुलर टाइम तो रिक्वायर्ड हो गई ना, तो ये मीन स्पीड पे चलेगी आपकी स्पीड ऑफ द इंजन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल फ्रॉम दैट टाइप 5। बहुत इजी होते हैं, बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, अभी तक हमने बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल किए, बट दैट टाइप 5 न्यूमेरिकल इज वेरी स्मॉल बट हाईली कंसेप्चुअल। सो वी आर गोइंग टू डील द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अ पंचिंग प्रेस, दैट इज पंचिंग ऑपरेशन इज there, a punching press is driven by a constant torque electric motor, motor word आ गया, constant torque, yes, steaming तो हो गई ना machine, तभी तो मैंने flywheel लगाया। The press is provided with a flywheel that rotates at a maximum speed of 225 rpm। तो मैं maximum को N1 से represent कर देता हूँ, that is 225 rpm, और इसके respect में अपन omega बाद में निकाल लेंगे। The radius of gyration of the flywheel is 0.5, that K की वैल्यू दे दी है 0.5 meter। The press punches 720 holes per hour, बहुत अच्छे, यानी होल जो पंच हुए हैं, होल पंच जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 720 holes per hour। Each punching operation takes 2 seconds, मतलब टाइम दे दिया हर पंचिंग ऑपरेशन को 2 seconds। तो पंचिंग ऑपरेशन टेक्स 2 seconds, ठीक है, एंड रिक्वायर्स 15 kN ऑफ एनर्जी, दे दिया कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है पंचिंग में, That is 15 kN। तो यहां से जो एनर्जी गई है, दैट एनर्जी पंचिंग ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है, यानी सप्लाई की गई हुई एनर्जी है, E1 is given, कितनी दी हुई है आपकी, क्योंकि मोटर की पावर 5 kW दी है, तो यहां पर इन्होंने दे दिया एनर्जी से डायरेक्ट दे दिया है E1, दैट इज 15 kN। अब मैं पंचिंग ऑपरेशन में जितनी रिक्वायर्ड होगी वो मैं कैलकुलेट कर सकते हूँ, क्योंकि सब कुछ दे दिया गया, 15 × 10³ जूल, और उसके बाद दिया हुआ है एंड द मिनिमम मास ऑफ द फ्लाईव्हील,
नहीं, फाइंड द पावर ऑफ द मोटर एंड द मिनिमम मास ऑफ द फ्लाई व्हील इफ द स्पीड ऑफ द सेम इज नॉट टू फॉल बिलो 200 RPM. मोटर की पावर निकाली है, एनर्जी सप्लाइड, इसमें एनर्जी सप्लाइड मैंने कितना दिया, E2 इज द एनर्जी सप्लाइड, ठीक है. और यहां पर क्या पूछ रहा है वो, 200 RPM से नीचे नहीं जाना, यानी मिनिमम दे दिया है 200 RPM. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, मोटर की मुझे पावर कैलकुलेट करनी है. बहुत आसान न्यूमेरिकल है. सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड. सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूं, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड. कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल इनटू नंबर ऑफ होल पर सेकेंड, नंबर ऑफ होल्स पर सेकेंड. ठीक, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल इज 15,000, क्योंकि किलो न्यूटन है, इनटू नंबर ऑफ होल्स पर सेकेंड यानी 720. ठीक है, 720 पर आर है, पर आर है यानी 60 × 60, तो ये 720. तो एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड कितना आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी 3000 Nm पर सेकेंड. एंड यू नो दैट न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज वॉट. सो पावर ऑफ द मोटर कितनी आ गई, यहां से डायरेक्टली पावर निकल गई, पावर ऑफ मोटर कितनी हो गई, 3000 Nm/s यानी 3 kW डायरेक्ट पावर. तो वही हो गया ना, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, तो रिक्वायर्ड इज दैट किसनी, पर होल पर सेकेंड. ठीक है, दोनों को मैंने रिक्वायर्ड के फॉर्म में लिख दिया है यहां पर, जबकि मैंने अलग अलग न्यूमेरिक, देखो यहां समझने की बात है कि जो डेरिवेशन मैंने करवाया है और जो न्यूमेरिकल में पूछा है, इसीलिए यहां पर हमें कंफ्यूजन हो गया. मैंने बोला एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर, अब जो एनर्जी मोटर सप्लाई कर रहा है वही तो रिक्वायर्ड है, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए. तो मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर मैं मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मोटर क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, मोटर सप्लाई कर रही है, मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा. लैंग्वेज का यहां फेर बदल होता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने बोला ट्रिकी होते हैं. आपको फॉर्मूला अपन ने लिखा एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पर मैं मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं और यहां पर मैं सोच रहा हूं ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर न्यूमेरिकल में किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. तो यहां पर इन्होंने ये सोचा है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड वही तो सप्लाई हो रही है, वही जरूरत पड़ रही है. तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस टाइप के प्रॉब्लम में. अब मैं मास ऑफ द फ्लाई व्हील जो पूछा है वो निकाल लेता हूं. मिनिमम मास ऑफ द फ्लाई व्हील, that mass of the flywheel, m is the minimum mass of the flywheel, e2 will be your 3000 per second, e2 कितना दे रहा है, 3000 per second, और 2 second के लिए कितना लगेगा, into 2, that is 6000 kW, oh, watt, 6000 watt, so e2 minus e1 will give you delta e, delta E is equals to E2 minus E1, E2 is 6000, E1 is, now E1 is, in that case, 1500, ठीक है, now E2 is 6000, और अगर मुझे E1, देखो, E1 minus E2 किया, E2 minus E1 किया है, इन दोनों ही केसेस में मुझे एक एनर्जी सप्लाइड है और एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, और डेल्टा ई कितना है मेरे, देख ये हो गया, ई टू विल बी 6000 और ई वन कितना है 15000, तो
दैट इज E1 माइनस E2। तो कंफ्यूजन यहां पर ये नहीं होना चाहिए, दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटिंग द सप्लाइड एंड रिक्वायर्ड। इस टर्म में इन दैट फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने एक एनर्जी रिक्वायर्ड है और एक एनर्जी सप्लाइड है, या एक एनर्जी सप्लाइड है एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कितना हो रहा है, ये बड़ी क्वांटिटी, दैट इज दिस क्वांटिटी इज E1। 15,000 इज द बिग क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी इज 6,000। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से इसको हमने रिवर्स किया क्योंकि ये नेगेटिव होएगा, डेल्टा ई विल बी 15,000 माइनस 6,000, तो डेल्टा ई गिव्स यू 9,000। ठीक है, सो वन एनर्जी दैट इज द बिगर एनर्जी इज E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, तो दैट इज ड्रिवन बाय द फॉर्मूला समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मोटर। फॉरगेट ऑल दिस, इन दैट केस E2 विल बी योर दैट इज E2 दैट इज E1। ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन दैट E2 माइनस E1। ठीक है, इसको यहां पर फिर से लिख देता हूं, E2 माइनस 9,000 कम्स आउट टू बी 9,000। ठीक है, नाउ मास ऑफ द फ्लाईव्हील दैट डेल्टा ई विल बी आई ओमेगा स्क्वायर CS, so delta E is 9,000, I is M K square, K is 0.5 meter square, CS is the omega square, that is omega max plus omega min by 2, अभी अपन इसको निकाल लेते हैं, और CS ये दोनों निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मीन निकाल लेता हूं, तो मीन स्पीड इज गिवन बाय n1 प्लस n2 बाय 2। n1 कितना है मेरा, n1 कितना है, n1 इज 225 प्लस n2 किससे कम नहीं जाना चाहिए, 200 से कम नहीं जाना चाहिए, सो n कम्स आउट टू बी 212.5 rpm। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा मीन और CS, देखे इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इनटू CS को लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दैट इज ओमेगा इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो इसको 2πn/60, तो 2πn/60 से जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर देखो 2n, ये n हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n1 माइनस n2 और बाहर निकलेगा 2π/60, 2π/60 कैंसिल हो गया, 30 यहाँ पर 30, तो π/30 तो बाहर निकलेगा π/30² यानी 900, π² / 900। तो ये हमने कहीं पिछली प्रॉब्लम में आई थिंक कुछ छोड़ दिया था किसी एक क्लास में, π² / 900। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो दैट π² / 900 मस्ट बी एड इन दैट द फाइनल आंसर विल बी सेम, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट 9000 इक्वल्स टू मास तो मुझे निकालना है 0.5 का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, सीएस की जगह मैं पुट कर रहा हूं ये वाली चीज, दैट इज π² / 900 एन मीन इज 212.5 इनटू n1 माइनस n2 यानी 225 माइनस 200। ठीक है, तो यहां से m आपका निकल के आ जाएगा 618 kg। ठीक है, यहां कंफ्यूजन ना हो इस E1 और E2 के केस में, जो कि पंचिंग ऑपरेशन में टोटल एनर्जी कंफ्यूजन ना हो E1 E2 में, बस मुझे तो बड़ा माइनस छोटा, तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है 15 kN/m और जो एक्चुअल ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो 6,000, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 15,000 माइनस 6,000 एंड दैट इज इक्वल्स टू I ओमेगा स्क्वायर CH। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील। थैंक यू।